मोबाइल लूट वाले थे आशीष और विनोद, इसको पेश किया जिसको न्यायालय ने 29 तारीख तक जेल भेज दिया है। ये इन्होंने मोबाइल छीन के ले गए थे, लूट का मामला है 392 का। मंगलवार को हुई मोबाइल लूट के दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दोनों को अदालत में किया पेश, अदालत के आदेश पर भेजा जेल। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत 14 जून मंगलवार को परिवादी हरीश डीडवानिया द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया कि दो युवक मोटरसाइकिल पर उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस मामले में परिवादी द्वारा आरोपियों की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर पुलिस के सुपुर्द किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मात्र 24 घंटे में ही आरोपियों को न्यू शिव कॉलोनी पहाड़गंज से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी आशीष और विनोद को आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। दोनों आरोपियों का जेलन अस्पताल में मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए उसरी गेट चौकी इंचार्ज धर्मपाल ASI ने बताया कि आरोपियों से गिरफ्तारी के साथ ही लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है, साथ ही लूट के काम में ली गई बाइक भी जब्त कर ली गई है। ये मोबाइल लूट वाले थे आशीष और विनोद, इसको पेश किया जिसको न्यायालय ने 29 तारीख तक जेल भेज दिया है। किस मामले के अंदर? ये इन्होंने मोबाइल छीन के ले गए थे, लूट का मामला है 392 का। कब का मामला? ये 14 तारीख को हरीश डीडवानिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था और वो भर गए थे, उनकी गाड़ी के नंबर नोट कर लिए थे, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर हमने उनको ट्रेस किया और गिरफ्तार करके माल बरामद किए। कहाँ के रहने वाले आरोपी? आरोपी रहने वाले हैं पहाड़गंज, अपने न्यू शिव कॉलोनी पहाड़गंज में। उनका भी कोई मुकदमे नहीं? और नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक। क्या नाम है आरोपी? आशीष है एक तो, और एक विनोद है। आपका नाम? धर्मपाल ASI चौकी इंचार्ज, दूसरी गेट थाना क्लॉक टावर।